इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोकैड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो फंक्शन की है, उसका हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो ऑप्शन है ग्रिड मोड है, उसका शॉर्टकट की F7, आप कीबोर्ड से F7 करके भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो उससे क्या है, इसमें एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्स होता है और एक ब्लॉक बन जाते हैं, और इसमें ब्लॉक का साइज़ भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, जो एक्स और वाई का ब्लॉक साइज़ आपको सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्ट राइट क्लिक करना है, ग्रिड सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको ब्लॉक साइज सेट कर सकते हो। ये आपको ऑटो के ड्राइंग बनाने टाइम ऑन भी रख सकते हो और ऑफ भी रख सकते हो। नेक्स्ट है आपको स्नैप मोड, उसका शॉर्टकट की है F9। जब भी आप स्नैप मोड ऑन करते हो, यहाँ पे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ओनली वो पॉइंट ही स्नैप करेगा, बाकी बीच में ब्लॉक के बीच में आप उसको ड्राइंग नहीं कर सकता, ओनली ब्लॉक टू ब्लॉक ही स्नैप करेगा। तो ये हमेशा ऑफ करके रखना है, क्योंकि हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं ना वो माउस का कर्सर वो राफली चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इन्फ्रा कॉन्स्टेंट। इन्फ्रा कॉन्स्टेंट जब भी आप ऑन करते हो, जैसे हमने एक लाइन बनाया तो ये लाइन वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल का जो कॉन्स्टेंट है वो शो करेगा। हॉरिजेंटल बनाओगे तो हॉरिजेंटल कॉन्स्टेंट आपको शो करेगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वगैरह शो करते। जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया तो यहाँ पे जो पैरेलल कॉन्स्टेंट है वो शो करेगा, उसके बाद परपेंडिकुलर है वो शो करेगा। तो इस टाइप का जो भी कॉन्स्टेंट वगैरह है वो यहाँ पे शो करते हैं। तो इन्फ्रा कॉन्स्टेंट ऑन करने से जो भी आप ड्राइंग बनाते हो या जो भी स्केच बनाते हो उसका कॉन्स्टेंट वगैरह शो करते हैं। नेक्स्ट डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट ऑन करने से क्या होता है, जैसे हमने एक लाइन बनाया, यहाँ पे हमारा लाइन का लेंथ और एंगल शो कर रहे हैं, लेकिन जब हम डायनेमिक मोड ऑफ करके रखेंगे और कोई भी हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे या लाइन ड्रॉ करेंगे उसका कोई डायमेंशन डिस्प्ले में नहीं आएगा। तो हमेशा आपको अगर लाइन बनाने टाइम या सर्कल बनाने टाइम कोई भी डिस्प्ले में आपको डायमेंशन चाहिए तो हमेशा इसको ऑन करके रखना है डायनेमिक मोड को। हमने डायनेमिक मोड ऑन कर दिया है, अभी देखिए हम जब भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका लाइन का लेंथ और एंगल शो कर रहे हैं। जैसे आप सर्कल बना रहे हो तो उसका आपको रेडियस शो कर रहे हैं। तो इस टाइप से डायनेमिक ऑन रखने से बहुत फायदे हैं। नेक्स्ट एक है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड से क्या होता है, कोई भी लाइन आप स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजेंटल में हो वर्टिकल में हो। जब भी हम अभी ऑर्थो क्या है ऑफ है, हम एफ एच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो स्ट्रेट नहीं आ रहे, कोई भी एंगल में आ रहे, अगर हम उसको एफ एच कर देंगे तो ये ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। ऑफ F8 प्रेस कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ऑन करने से लाइन क्या होता है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल में आप इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट F10 में आपको कर सकते हो पोलर ट्रैकिंग। जब भी आप पोलर ट्रैकिंग ऑन करते हो तो ऑर्थो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि पोलर ट्रैकिंग में आपको कोई भी एंगल दिया रहेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 30, 60, 90 में आपको टिक किया हुआ है, उसके मतलब जब भी लाइन 30 में आएगा तो क्या करेगा, ट्रैक करेगा इस टाइप का, और 60 में आएगा हर 30 में आपको इसे ट्रैक करेगा 60, 90। तो आपको आइडेंटिफाई करते ही हमारा 30 डिग्री है, उसको आइडेंटिफाई करते ही 60 डिग्री है, तो 30, 60 हर 30 डिग्री में इसको क्या करेगा, ट्रैक करेगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट स्नैप F3। जैसे हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन के एंड पॉइंट से आपको और एक लाइन ड्रॉ करना है, अगर मैंने F3 करके इसको ऑफ कर दिया, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर दिया और हमको लाइन ड्रॉ करना है तो उसको एंड पॉइंट हमको शो नहीं कर रहे। जब भी हम उसको ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करेंगे उसका हमारा एंड पॉइंट शो करेगा, मिडिल से आपको बनाना है तो उसका मिड पॉइंट शो करेगा। तो इस टाइप का आप जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्नैप करेगा। यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसमें एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट ये सब ऑन होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट स्नैप करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ऑब्जेक्ट स्नैप। तो इस टाइप के आप फंक्शन की से बहुत सारा काम इजी हो जाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो ड्राइंग बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।